समाजवादी पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी का मतलब जो संस्कार से जिसका कोई संबंध न हो, अपने से बड़े छोटे का लिहाज नहीं करते लोग, अपने से बड़ों को जबरदस्ती धक्का देके बाहर कर देते हैं, और यही नहीं ये लोग ठीक उल्टा आचरण करते हैं। जैसे राम भक्तों पर गोली चलाते थे और देशद्रोहियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का काम करते थे। गरीब इनके समय में भूखा मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान की नौकरी पे सेंध लगाते थे, और बहनों और भाइयों दूसरी तरफ इनके द्वारा राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी। इनके समय के कारनामे अगर उजागर हो जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, और यही कहने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों याद करिए ये प्रयागराज का माफिया हो या गाजीपुर का माफिया, कौन अपने गले का हार बनाया था? मैं पूछना चाहता हूं कौशाम्बी की जनता से, बहन और भाइयों मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूजा पाल के पति राजू पाल पिछड़े नहीं थे क्या? क्या उमेश पाल पिछड़ा नहीं था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या रिश्ता था कि वह इन लोगों को राजू पाल के लिए, उमेश पाल के लिए और इन माफियाओं के द्वारा मारे गए सैकड़ों लोगों के प्रति, वो निषाद जाति के भी थे, पटेल जाति के भी थे, ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, अन्य सभी जातियों से थे, कोई खटिक था, कोई अनुसूचित पासी था, अलग अलग जाति के थे। इनके मरने पर समाजवादी पार्टी की संवेदना इन परिवारों के प्रति नहीं होती थी, इनकी संवेदना तो उन माफियाओं के प्रति होती थी।